तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्विस वगैरह ठीक है, मतलब आप लोगों ने कंफर्मेशन लिया था कि... नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जैक्सन, जो कि स्मार्ट डियर चैनल चलाते हैं। तो सर, आपसे पहला क्वेश्चन हम यही करना चाहेंगे कि आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला सर? तो बेसिकली मैं खुद कुछ कंटेंट ढूंढ रहा था यूट्यूब में, और वो जी, मुझे कंटेंट सही तरह से नहीं मिल रहा था। ओके। और वो बेसिकली उसका नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी था, क्योंकि मैं इस फील्ड में लगभग 10-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मुझे वो ओके ख्याल आया कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल डाल दूँ। और मैं कुछ उतना रेगुलर नहीं रहता हूँ यूट्यूब चैनल में, लेकिन हाँ, मेरे पास कंटेंट जो है वो क्वालिटी का आता है कभी, तो वो एक ओके। रीजन है तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। और ये जो नाम आपका है स्मार्ट डियर, इसके पीछे कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन वगैरह? नहीं सर, वो DIY को हाईलाइट करना था, तो स्मार्ट DIYer बने आप, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बनाया था। ओके ओके, बहुत अच्छा। इसी क्वेश्चन पे हम एक और पूछना चाहेंगे, ये कि वो कस्टमर को ये एंगल ग्राइंडर वगैरह, ड्रिल मशीन और ये बेंच ड्रिल मशीन, इन सब को चूज कैसे करना चाहिए? उसमें तो बहुत गलती हो सकती है कस्टमर से चूज करने में, तो वो सही मशीन स्पेसिफिक वर्क के लिए वो कैसे चूज करें? जी, देखिए, हमारा काम इम्पोर्टेंट होता है। हम मेटल वर्कर हैं या कंक्रीट में हाँ मेसनरी में काम करते हैं या लकड़ी में काम करते हैं। हाँ मशीन जी आपको सिर्फ दो प्रकार का आता है, एक जो है ड्रिलिंग मशीन में बता रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन आता है जिसमें हैमर नहीं होता है, और एक हैमर वाला होता है। ओके देखिए, वुड वर्किंग कामों के लिए हैमर वाला मशीन लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको उसका भी जरूरत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दीवार के ऊपर हमको लकड़ी वगैरह फिटिंग करना होता है, तो दीवार को हमको छेद करना होता है, तो उस सिचुएशन में हम ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे सोच के लेते हैं कि हमको दीवार में छेद करना है तो सिर्फ SPS मशीन ही ले लेते हैं, तो आप छोटा मशीन नहीं लेते हैं। ओके तो उनके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि वो जरूरी होता है उनको ड्रिल करना, क्योंकि छोटे मोटे ड्रिल बिट्स जो है वो SDS वाले मशीन में टूट जाते हैं। तो अभी ग्राइंडर की ओके बात करें तो ग्राइंडर जो हाँ है पावर के ऊपर हमको लेना चाहिए, साइज के ऊपर नहीं, क्योंकि भारत में आपको 4 इंच ही चलता है, 5 इंच बहुत कम चलता है। बहुत कम अगर रेल हम है। यूएस की हाँ जी हम यूएस की मार्केट कंपेयर करें तो वहां पे 4 इंच ग्राइंडर ही नहीं है, सिर्फ 4.5 इंच का ही चलता है। तो वो एक बात रीजन है। देखिए, हम अभी जो बॉश का एक GW 600 आता है, उसका जो पावर है वो बहुत कम होता है। वो छोटे मोटे कामों के लिए, DIY के कामों के लिए सब ठीक है, और हमको जो भी है हमारा ज्यादातर काम चलता है उसमें चलता है। लेकिन हमको अगर दीवार में कटिंग करना है या जरी वगैरह मारना है तो हमको थोड़ा सा ज्यादा पावर वाला लेना चाहिए होता है। तो हम अच्छा इसी छोटे मशीन को दीवार में चलाएंगे तो मशीन का कॉइल जल जाएगा, और ड्रिलिंग मशीन हो या ग्राइंडर हो या जो भी हो, इवन वेल्डिंग मशीन भी हो, उसी प्रकार से ही काम करता है। कितना देर तक हमको चलाना है, कौन सा नंबर का इलेक्ट्रोड हमको उसमें इस्तेमाल करना है। हाँ, हमारे जो आपके साइट में कई सारे मशीन देखे हम, जो कि 200 एम्पियर टूल्सविला, के हैं टूल्सविला में, ओके और 200 ओके एम्पियर के मशीन है। 200 एम्पियर का जो मशीन है वो हमारा 3.5 mm रॉड के लिए बने हैं, वो मैक्सिमम। उसमें भी ओके आप कम से कम कंटिन्यूअसली जो है आप 10 इलेक्ट्रोड को बर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप करेंगे तो मशीन को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो मशीन ओके खराब ओके होता है। उसी प्रकार से तो सभी हमको काम सर। देख के उसको लेना पड़ता है। तो सर, ये एक और जैसे मैंने चेक किया, आपने कहा टूल्सविला से, आपने टूल्सविला से प्रोडक्ट भी ऑर्डर किया था, वो बेंच ड्रिल, तो उसके बारे में कुछ रिव्यू वगैरह देना चाहेंगे आप? रिव्यू मैं एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी चैनल पे, हाँ मतलब वो पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। जिन लोगों को मशीन हाँ खरीदना चाहिए वो सोचते हैं कि वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि हाँ जी मशीन का जो प्राइस है वो थोड़ा कम है, राइट, लगभग 6,500 कुछ है। साढ़े छह तो हजार लोगों के के हाँ दिमाग में एक चीज रहता है, अरे उतना सस्ता मशीन है तो मेरे कामों के लिए होगा कि नहीं होगा, जल्दी गर्म होगा कि नहीं होगा। और क्या है ना कि जो भी हमारे मार्केट में ना, सभी प्रोडक्ट का एक मार्केट होता है, सभी प्रोडक्ट जो होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी ही होते हैं। लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब लोग बुरा ना माने, कि लोग जो है पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, उनको प्रोडक्ट जो है अच्छा क्वालिटी का मिलना चाहिए। वो दोनों चीज साथ में नहीं आता है, हाँ वो एक प्रॉब्लम है देश में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है अमेजोन के कमेंट्स में देखा है, तो उनको एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी मिल चुका होता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी का। हाँ
तो वो सब हमको देख के ही मशीन को परचेस करना चाहिए। और उस मशीन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक, अभी भी रनिंग पे है। मैं उसको महीने में 2-3 बार तो कम से कम इस्तेमाल करता हूँ, अगर कभी कभार मैं इस्तेमाल करूँ तो हफ्ता भर पूरा इसको इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन स्टिल वो जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। ज्यादातर आप 13 mm का ड्रिल बिट भी उस मशीन में चला सकते हैं। आपको 13 mm का ड्रिल बिट चलाने के लिए आपको ज्यादा कम RPM चाहिए होता है, तो कम RPM सिर्फ बेंच ड्रिलिंग मशीन देता है आपको। हमारा जो हैंडल होता है उसमें आपको कम RPM नहीं मिलता है। तो आपको इसके बारे में पता कहां से चला और इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखिए, मैंने उस जो मैंने आपको बोला है ना बेंच ड्रिलिंग मशीन, मैं उसी को ढूंढ रहा था। उसको ढूंढने के चक्कर में मैंने आपका वेबसाइट देखा था। तो वो मैंने शायद परचेस किया था एग्जैक्टली 2 साल पहले, जून 2020 में कुछ परचेस किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने मतलब ऐसा ट्राई मार दिया, चलो ठीक है देख लेंगे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्विस वगैरह ठीक है, मतलब आप लोगों ने कंफर्मेशन लिया था कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट था वो कैश ऑन डिलीवरी का था। हाँ, तो कैश ऑन डिलीवरी देने में दिक्कत होती है क्योंकि हम भी ई-कॉमर्स बिजनेस बना चुके हैं, आपको पता है। तो कॉल करके कंफर्म करना पड़ता है कस्टमर को कि प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि उसको टू एंड फ्रो का जो खर्चा है तो बहुत ज्यादा होता है। तो आपने हमको कॉल किया तो हमको मतलब गारंटी लगा कि ठीक है। तो उसके बाद देखा, हमने आपका वेबसाइट वगैरह देखा, सब ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हमारे मेरे उसी वीडियो के नीचे जो है आप ही का लिंक आपने अपलोड किया है टूल्सविला का। थैंक यू सर, मैं अपना वक्त देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, तो धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सर। आपका भी सर। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।